हरियाणा स्टीलर्स और दबंग दिल्ली के बीच का पहला मुकाबला नवीन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। दबंग दिल्ली ने अब तक जितने पॉइंट्स लिए हैं रेड में 70% पॉइंट सिर्फ एक रेडर नवीन कुमार के नाम, लेकिन पहली रेड में डैश। वन पॉइंट दबंग दिल्ली, रेड आउट, वन पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बोनस लिया लेकिन आउट भी हुए। आमतौर पर हाफ टाइम से पहले तक सुपर 10 लगा देते हैं, आज भी लगा देंगे। तीन रेड हुई हैं, दो पॉइंट भी ले लिए हैं। और दो बातें हैं संजय दा, शायद आप मुझसे सहमत हो। एक तो इंजरी के बाद लौटे, ओ ये मेतु के लिए आसान पॉइंट है। संभलना होगा विकास, जिन्हें आज जगह मिली है कॉर्नर पर। फिर से आज दो रेडर और पांच डिफेंस डिफेंडर्स के साथ उतरी है हरियाणा, नवीन को रोकने के लिए। सिर्फ सुरेंद्र नारा की तारीफ करनी होगी, क्या गजब का प्रदर्शन किया उन्होंने। विराम के बाद लौटे, यहां गलती नवीन की हो गई। बीच से निकलना चाहते थे, चकमा देना चाहते थे, लेकिन आखिर तक पैरों पर गिर गए डिफेंडर। और ये संभवतः हाफ टाइम, बिल्कुल 11-11 की परब। क्या कमाल का पहला हाफ रहा, स्कोर फिर से बराबर। और ये डू ऑर डाई रेड, यानी स्कोर फिर से बदल सकता है। डू ऑर डाई रेड में आशु मलिक आए हैं, ये मुश्किल का समय है आशु के लिए। बोनस इस समय मिल सकता है, उनका प्रयास भी था लेकिन वापस लौटे वो शायद बहुत निश्चित नहीं। निश्चिंत होना चाहिए इनको, क्या बोनस भी मिलेगा। अच्छा पॉइंट तो मिल गया, बोनस प्लस पॉइंट दबंग दिल्ली, तो दो पॉइंट की लीड दिल्ली को। डू ऑर डाई रेड में आशु मलिक दो पॉइंट ले आए, गलती पूरी विकास कंडोला की है। डू ऑर डाई में क्यों चले गए वो टैकल करने के लिए, क्यों गए डैश करने के लिए। मैच को धीमा करने का मतलब ही यही है कि आप अपने विरोधी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। विकास कंडोला पिछले मुकाबले में, और ये विकास कंडोला को टैकल कर दिया गया। संदीप नरवाल का ड्राइव कामयाब। अगर विजय किसी को टच करके आ गए तो उनको पॉइंट मिलेगा और दिल्ली जीत जाएगी। बॉक लाइन को तो खैर क्रॉस करने से नहीं रोक पाएंगे, दिल्ली जीती इस मुकाबले को। बॉक लाइन को प्रोटेक्ट करना आमतौर पर डिफेंस के बस की बात होती नहीं है, और यहां पर अक्सर खतरा मोल लेना होता है, जो यहां पर देखने को मिला। थ्री पॉइंट्स दबंग दिल्ली, नंबर वन आल्सो आउट। एक और फैसला बदला, ये तो सुपर रेड करार कर दी गई। फाइनली दबंग दिल्ली की वापसी हुई, लगातार दो मैच हारने के बाद दबंग दिल्ली सीजन 8 में जीते हैं।